आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यदि किसान भाई यूरिया का जो नाइट्रोजन का मेन सोर्स है उसका अधिक उपयोग करते हैं तो उसका हमारी फसलों पर क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है। जय हिंद किसान भाइयों और मेरे साथियों, हमारे YouTube चैनल अतुल्य कृषि में आप लोगों का स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिया। जब किसान भाई खेतों में यूरिया को डालते हैं तो उसका 50-60% ही मात्र पौधे लेते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वह हमारी मिट्टी और पर्यावरण में चला जाता है। जो यूरिया या नाइट्रोजन हमारे पौधे लेते हैं उसमें क्या करते हैं, वह वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वह बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे कभी कभी गिर भी जाते हैं, जिसकी वजह से कीटों का जो अटैक होता है उसमें आ जाता है। दूसरा जो होता है मिट्टी, अब बाकी जो शेष बच गया वह हमारी मिट्टी और पर्यावरण में चला जाता है। मिट्टी में जाते ही वो क्या होता है, लीचिंग होती है, नीचे रिसता है। वह अपने साथ हमारी जो मिट्टी में उपस्थित उर्वरक और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी अपने साथ नीचे लेकर चला जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, उर्वरक क्षमता जो होती है वह कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को आने वाले समय में यूरिया और हमारे जो खाद है DAP खाद का जो है मात्रा वो बढ़ाना पड़ सकता है। तीसरा जो होता है वाष्पीकृत होकर के वह वायुमंडल में चला जाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन की क्षति, इस तरह की समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं। और अब किसान भाइयों के मन में बात आएगा कि यूरिया की मात्रा हम कैसे कम कर सकते हैं। यूरिया की मात्रा को कम करने के लिए हमें जैविक खाद की ओर जाना होगा, गोबर खाद का उपयोग करेंगे, और यदि किसान भाई गौ पालन करते हैं तो गौ के मूत्र, गुड़, बेसन का उपयोग करके हम जीवामृत तैयार कर सकते हैं, जिसका भी छिड़काव करके नाइट्रोजन की कमी को दूर किया जा सकता है। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ लाता रहूँगा। कृषि से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मन की कोई बात हो या फिर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर